अभियान के तहत कांकेर जिले में जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में फायरिंग की गई। इस दौरान एक नक्सली महिला को पकड़ने में बीएसएफ को सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान घायल नक्सली महिला को उपचार हेतु भिजवाया गया। बता दें, सीमा सुरक्षा बलों को सामान्य शाखा व पुलिस से प्राप्त नक्सली गतिविधियों की सूचना के आधार पर इंद्रराज सिंह महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल के निर्देश में एक संयुक्त ऑपरेशन योजना बनाई गई थी। इसमें 11 टीमों को चिन्हित किया गया था। वहीं इस ऑपरेशन में 2 जवान फायरिंग में घायल हुए, साथ ही एक महिला नक्सली घायल हुई। इस ऑपरेशन के विस्तृत जानकारी महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल इंद्रराज सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में माओवादियों की गतिविधियां डिस्ट्रिक्ट कांकेर में और बाढ़ के इलाके में काफ़ी बड़ी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीएसएफ ने भी पुलिस के समन्वय के साथ अपने ऑपरेशंस बढ़ाए हैं और पिछले 6 महीने में इसका परिणाम हमने लगभग 5 हार्डकोर नक्सली, जिनके ऊपर 8 से 8 लाख तक इनाम है, उनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा सस्पेक्टेड 8 नक्सल्स हमने पकड़े थे। इसके अलावा हथियार, अम्युनिशन और एक्सप्लोसिव आईडी से संबंधित सामान भी हमने पिछले 6 महीने में काफ़ी सीज किया। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले अभी देखा होगा, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक ट्रॉली ट्रैक्टर पकड़ा गया था, जिसमें कुछ नक्सली अरेस्ट हुए थे। उसमें 90 बंडल कॉडेक्स के और 500 डेटोनेटर पकड़े गए थे। तो एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनका आने का नहीं बताया जा सकता, लेकिन उस एग्जाम्पल से, उस सीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्टेट के बाहर से भी एक्सप्लोसिव और उसकी सामग्री आ रही है। पिछले 6 महीने में बीएसएफ ने बड़ी सतर्कता के साथ अपने इलाके में ऑपरेशंस किए हैं, जिस कारण से हमने आर्म्स अम्युनिशन सीज किया है। इसके अलावा 3 ऐसे नक्सली अरेस्ट किए हैं जिनके ऊपर 8 लाख रुपए इनाम है और 2 नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 लाख रुपए प्रति कैश नगद इनाम है। इसके अलावा हमने एरिया से 8 ऐसे संदिग्ध सिविलियंस पकड़े थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नक्सल गतिविधियों से संबंध रखते हैं। बीएसएफ के जवानों ने इस ऑपरेशन में बहुत ही बहादुरता और साहस के साथ अपना परिचय दिया है। इसके साथ साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा और मानवता का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हमने घायल महिला नक्सली को उचित प्रथम चिकित्सा देकर अच्छे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अस्पताल में उसको उनको भेजा गया है। जैसा कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौके वारदात से 6 प्रेशर कुकर आईडी, जिसमें लगभग 4 से 5 केजी एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, इसके अलावा रिमोट कंट्रोल आईडी डिवाइसेस मिले हैं, जो कि फोर्सेज के लिए आगे ये इस्तेमाल में लिए जाने थे और इनके इस्तेमाल से फोर्सेस का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था।